सबसे पहले तो हमारे बेम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आरएसएस जो है सुस्त पड़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? आरएसएस सुस्त नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि इसमें तीव्रतर विकास हो रहा है। धर्मांतरण आज चरम स्थिति पे है। ये जो विदेशी शक्तियां हैं, वो चाहे इस्लाम हो या ईसाइयत से जुड़ा हुआ संगठन हो, यह गरीब लोगों को धन का लालच देकर बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है। आरएसएस इन सभी विषयों पर हमेशा अपना ध्यान रखे हुए है। आरएसएस में जो विकास दिखाई पड़ रहा है वो सतत आगे बढ़ता चला जा रहा है। 1925 विजयादशमी को इसकी स्थापना हुई और इसका 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हम और आप सभी इसको देख सकते हैं कि यह जन जन तक प्रसारित होते चला जा रहा है। हमारे गरीब बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को जो धन का लालच दे करके उनको ठग रहे हैं, उनका जो राष्ट्रांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। वे बेचैन हैं और ऐसे चूहे के बिल में पानी डाल देने से चूहे बिलबिला जाते हैं, वैसी स्थिति उनकी है। निश्चित रूप से संघ अपने उद्देश्य में विश्व की ताकत बनाने में, पुनः विश्व में भारत एक गुरु का स्थान प्राप्त करने जा रहा है, इस स्थिति में लाने का प्रयास संघ कर रहा है। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में धीरे धीरे भारत विकास करते जा रहा है और इसमें निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त सहयोग है। न केवल लव जिहाद बल्कि लैंड जिहाद भी अभी तेजी से चल रहा है। हमारे बंधु जो अभी सनातन धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम बंधु भी जो राष्ट्र के भावों से जुड़े हुए हैं, वे इस चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वे भी महसूस करते हैं कि हिंदू धर्म की लड़कियों को भला फुसला करके और उनको लव जिहाद के अंतर्गत फंसाने का प्रयास किया जाता है। जब उनको उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वे उनकी हत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इस माध्यम से हम सभी हिंदू बहनों, हिंदू बेटियों को बताना चाहते हैं कि वे केवल भावुकता में बढ़ करके आगे कदम नहीं बढ़ाएं, वे पहले अपने माता पिता की स्थिति को समझें, अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को समझें और अपने सनातन धर्म की जो विचाराभिव्यक्ति का दायित्व है, गुण है, उसको भी देखें। हमको लगता है कि यदि वो बात समझ जाती हैं आप तो लव जिहाद के मामले में कमी आएगी। जन तक जो जुड़ने की योजना है संघ की, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। पहले खोजने पर संघ के कार्यकर्ता कहीं कहीं दिखाई पड़ते थे, आज घर घर में संघ के कार्यकर्ता हैं। बोलते नहीं हैं लेकिन वे देश भाव से जुड़े हुए हैं, देशभक्ति के भाव से जुड़े हुए हैं और यह राष्ट्र हमारा है, इसके भाव को लेकर के वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं राजनीति का तो जोर नहीं है? राजनीति में रहने वाले अपनी राजनीति करते हैं। आरएसएस तो का परिणाम है कि वे जाति पाति में हमारे हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांट करके अपनी राजनीति का सिक्का चलाना चाहते हैं। लेकिन उनकी बेचैनी है, अगर बेचैनी नहीं होती तो कोई रामचरित मानस में नफरत फैलाने की बात क्यों करता, कोई सनातन गीता में जिहाद फैलाने की बात क्यों करता। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ती जा रही है और जब व्यक्ति बेचैन होता है, असंतुलित होता है तो मुंह से उल्टे पुल्टे शब्द निकलने लगते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों का समय समाप्त होने जा रहा है और पूरे देश में ऐसे लोग बेचैन हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को आप क्या अपील करेंगे? पूरे भारतवर्ष के लोगों से हमारा यही अपील है कि वे जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति में अपने आप को जोड़कर रखें। यह विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति है, ऐसी संस्कृति विश्व में अन्यत्र
उपलब्ध नहीं है। शिक्षा का ज्ञान जो इस संस्कृति से प्रसारित हुई वह यूरोप में अरब में बाद के काल में प्रसारित हुई। हमारे लोगों से कहना है, भारत के लोगों से कहना है कि आपको गर्व करना चाहिए कि आप सनातन विचार से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलता है तो यह देश पुनः विश्वगुरु कहलाएगा और देश को सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित करेगा। धन्यवाद सर।